अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एग्जीक्यूशन हायरार्की को इम्प्लीमेंट करते हैं और लेट्स स्टार्ट। मेरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर मौजूद है, आई विल शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। हम डायरेक्टली जो है वो इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं एट क्लास लेवल। और बेसिकली देयर आर थ्री लेवल्स, द असेंबली लेवल, देन विद इन असेंबली वी कैन हैव वन एंड मोर क्लासेस, सो वी हैव क्लास लेवल। देन विद इन ईच क्लास वी मे हैव वन एंड मोर मैथड विच इज टेस्ट केसेस। सो वो किस तरह काम करते हैं उसकी डिटेल तो आप वीडियो में देख सकते हैं, या हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम दो लेवल इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लास एंड टेस्ट लेवल। मैं यहाँ पे रीजन बना देता हूँ ताकि कोड जो है थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। एंड रीजन, और इसके अंदर मैं पूरा वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको मैं इनिशलाइज कर लेता हूँ। पब्लिक टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस, पब्लिक टेस्ट कॉन्टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं सेट इंस्टेंस इज इक्वल टू वैल्यू एंड इंस्टेंस एंड गेट रिटर्न द इंस्टेंस। तो ये करना ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम जो है वो जो लेवल्स हैं वो हम इनिशलाइज कर देते हैं। इसके बाद हम क्लास इनिशियलाइज का एट्रीब्यूट जो है वो हम इसके एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास इनिट के नाम से मैं ये एक मेथड बना देता हूँ। और हमें इसके अंदर जो है वो टेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेंड करना पड़ेगा। सेम ये क्लास लेवल है कि हर क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले इसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो मस्ट एग्जीक्यूट होगा। तो क्लास क्या है, क्लास का मतलब है कि ये वाली टेस्ट क्लास, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इसका क्लीनअप जो है वो चाहिए होगा, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास क्लीनअप। और मैं इसमें क्लास क्लीनअप का एट्रीब्यूट जो है वो डाल देता हूँ। सिमिलरली हमें एक क्लास के बाद जो है वो टेस्ट इनिशियलाइज़ एंड टेस्ट क्लीनअप भी चाहिए। पब्लिक वॉइड टेस्ट इनिट, और इसके ऊपर मैं एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ टेस्ट इनिशियलाइज का। देन सिमिलरली मुझे टेस्ट क्लीनअप भी चाहिए होगा, टेस्ट क्लीनअप एंड अब मैं इसे फिर से ब्रीफ कर दूं कि हर टेस्ट, जैसे ही मैं किसी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होता, सबसे पहले असेंबली एग्जीक्यूट होती है, असेंबली इनिशियलाइज। अभी हमारे इस केस में हमने असेंबली को सेटअप नहीं किया है, हमने क्लास को ही किया है जस्ट। तो अभी क्लास इनिशियलाइज होगी, उस क्लास के बाद टेस्ट इनिशियलाइज चलेगा,
देन हमारा टेस्ट केस चलेगा, देन टेस्ट क्लीनअप चलेगा, इसी तरीके से दोबारा से टेस्ट इनिशलाइज चलेगा, फिर टेस्ट केस नंबर टू, देन टेस्ट क्लीनअप। तो इसी तरीके से ये एन नंबर ऑफ टेस्ट केस इसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होंगे। देन वंस उस किला एक क्लास के सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देन फिर जो है वो क्लास क्लीनअप जो है एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, ये आपको बस क्लास लेवल पे इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि हर टेस्ट केस से पहले जो है वो टेस्ट इनिशलाइज एग्जीक्यूट होता है, तो मैं अगर ड्राइवर को यहाँ पे वन टाइम कॉल कर लूँ, जो मैं हर मेथड में कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे अब अपने सारे मेथड में कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली ये कि मैं इसको क्लास लेवल पे भी कर सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। रीज़न इज़ डैट कि टेस्ट केस का काउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है और मेमोरी जो है वो बढ़ने लगेगी, आपकी कैश जो है वो बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपका टेस्ट केस ऑटोमेटिक टेस्ट केस फेल हो सकता है। तो सबसे सही जो प्लेस है वो ये टेस्ट इनिशियलाइजेशन ही है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट इनिट में अपने ड्राइवर को इनिशियलाइज करेंगे और टेस्ट क्लीनअप में उसी ड्राइवर को हम जो है वो क्लोज कर देंगे। सो इसको हम सेटअप करते हैं। सो जो हमारा कोड था, जो हमारे मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं, ये कोड पे जो ये, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मुझे डालना चाहिए टेस्ट इनिट में। और इसी तरीके से जो ये क्लोज वाली चीज़ थी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको टेस्ट क्लीनअप में डाल देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर टेस्ट केस चलने से जस्ट पहले टेस्ट इनिट चलता है, तो वो मेरे ड्राइवर को इनिशलाइज कर देगा, और हर टेस्ट केस चलने के बाद टेस्ट क्लीनअप चलेगा, तो वो उसको ड्राइवर को क्लोज भी कर देगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो टेस्ट केस है वो बहुत लाइट हो गया, और उस टेस्ट केस के अंदर हमें सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही है जो उसके अंदर होनी चाहिए। तो सेम, क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें हम डाल चुके हैं, तो हमें इसको अब यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए अपने हर मेथड से, जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं, अब इनको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसे हम एग्जीक्यूट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इससे एक और फ़ायदा हुआ है, वो ये हुआ कि हमें जो बहुत सारे टेस्ट केसेस के अंदर जाके ड्राइवर को सेट करना था, वो अब हमें किसी एक जगह से करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर क्रोम दे दूं और मैं एग्जीक्यूट करूं, तो अब इसे क्रोम में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लेट्स सी कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। स्पीड आपने देखी है, यही ऑटोमेशन का जो मेन पर्पस है वो ये स्पीड ही है, कि एक ह्यूमन जो है इतना फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, टेस्ट केस हमारा पास हो गया। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम डिटेल में करेंगे, वो डेटा ड्रिविन हम करेंगे, और डेटा ड्रिविन के अंदर जो हमारा टेस्ट डेटा है वो एक्सटर्नल सोर्स से हम उसको गेट करके यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ऑटोमेशन डेवलप हो रही होती है, ऑटोमेशन की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो से। बट एक्चुअल में जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप DLL यूज़ करके एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट का। तो फिर अगर मुझे डेटा चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, लेट सपोज मुझे ये क्रोम में नहीं चलाना, तो फिर मैं कैसे चलाऊं? तो इसका मतलब ये है कि फिर मुझे अगेन प्रोजेक्ट के अंदर आके इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी, फिर मुझे कोड दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी डेटा को मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे फिर प्रोजेक्ट के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है कंपाइल करने के लिए या रिकम्पाइल करने के लिए एट एवरी टाइम वेन आई नीड टू चेंज माई डेटा। तो यहाँ पे दो तरीके से हम इसको डील करेंगे। जो हमारा टेस्ट डेटा होगा, टेस्ट डेटा को हम एक्सटर्नल सोर्स से गेट करेंगे, जबकि जो एप्लीकेशन लेवल डेटा है, ये क्रोम का ताल्लुक जो है वो टेस्ट से नहीं है, एप्लीकेशन से है, एप्लीकेशन लेवल की चीज़ है ये। तो इस किस्म की चीज़ें
सो इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो हम app.config से जो है वो उठाया करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें यहाँ पे भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, हमें app.config से करना चाहिए। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में जो है वो एक app.config को ऐड कर लेता हूँ ऐड न्यू आइटम में, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं app.config है, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। तो ये एक मेरे पास फाइल ऐड हो गई है। तो इसके अंदर जो मुझे रिस्पेक्टिव XML चाहिए वो मैं पुट कर देता हूँ। सो मैंने जो है इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐप सेटिंग का टैग ऐड कर दिया, उसके अंदर ऐड की कर दिया, उसका नेम जो है वो डिवाइस ब्राउज़र रख दिया, उसको मैंने यहाँ वैल्यू पास कर दी है क्रोम। हम इस की से जो है वो के ज़रिए से इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने इसका नाम डिवाइस ब्राउज़र इसलिए रखा है कि आगे चल के हम इसी प्रोजेक्ट को जो है वो मोबाइल डिवाइसेस की ऑटोमेशन में भी यूज़ करेंगे। तो यहीं से हम डिवाइस का इनपुट ही दे रहे होंगे। सो हम यहाँ पर आए थे और इसको हम गेट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्रोम भेजा था, अब इसकी जगह मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ कि मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से जो है वो गेट करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट एप सेटिंग्स, और इसके अंदर जो है मुझे वो की देनी है जो मैंने एप डॉट कॉन्फिग में रखी है, विच इज डिवाइस ब्राउजर। जब मैं इसको सिंपलीफाई करके मैं इसको जस्ट अभी फिलहाल ब्राउजर ही कर देता हूँ और हम इसको वहाँ पे पास कर देते हैं, और हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डॉट टू स्ट्रिंग में। सो इससे क्या होगा, ये वहाँ से डेटा गेट कर लेगा। इसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो रेफरेंस में जाके हम इसका रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। सो रेफरेंस के अंदर हम रेफरेंस ऐड कर लेते हैं सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, और ये रिजॉल्व कर लेते हैं देन हम। तो रिजॉल्व हो गया। तो अब जो है ये यहाँ से इनपुट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम इसको app.config से जाके इनपुट देंगे, लेकिन इन एक्चुअल जब हम इसको बाहर कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा तो इस प्रोजेक्ट के नाम से एक कॉन्फ़िग फाइल बन जाएगी। प्रोजेक्ट के अंदर तो ये app.config के नाम से होती है, लेकिन कंपाइल करने के बाद ये प्रोजेक्ट का नाम जो हमारा है ऑटोमेशन डेमो टेस्ट डॉट कॉन्फ़िग के नाम से ये बन जाएगी। तो हम उसको चेक भी कर लेते हैं कि तो इसको देखिए, तो यहाँ पे ऑटोमेशन डेमो टेस्ट डॉट डेल डॉट कॉन्फ़िग के नाम से जो है ये फाइल आ गई है। इसे मैं अगर ओपन करूं तो ये तो यहाँ पे हम देखें तो यह हमें वही फाइल नज़र आ रही है। तो हम इसको अब बाहर से सेट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से जो एप्लीकेशन लेवल जो चेंजेस होंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एज अ की ऐड कर देंगे। उसमें डिफरेंट डिटेल्स हो सकती हैं कि जस्ट लाइक आपकी यूआरएल वगैरह भी हो सकते हैं, और भी ऐप लेवल जो चीज़ हो सकती हैं इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि आपके ऑप्शंस के जो है वो क्या क्या होने चाहिए ब्राउज़र के। जस्ट लाइक अगर आपको हेडलेस चलाना है तो आप यहीं पर देंगे कि आपको रन इन बैकग्राउंड करना है या आपको ऐसी एग्जीक्यूशन करनी है जो सामने डिस्प्ले हो। इसी तरीके से जैसे हमने जो
जो ड्राइवर है उसे टेस्ट लेवल पे किया है। तो जस्ट लाइक अगर आपको डेटाबेस लेवल ऑटोमेशन करनी है कि आप चाहते हैं कि हमें डेटाबेस में जाके वैलिडेट करना हो कि कोई चीज़ अगर ऐड हुई है तो वो इंसर्ट हुई है नहीं हुई प्रॉपर टेबल्स के अंदर, या अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है तो वो प्रॉपर टेबल्स के डेटाबेस टेबल्स के अंदर अपडेट हुई है नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसे क्यूरी करके जो डेटा मंगवाएंगे आप उसे असर्ट करेंगे, ये मैकेनिज्म होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो डेटाबेस है उसे उसका कनेक्शन कहाँ पे बनना चाहिए, तो आप वो टेस्ट लेवल पे भी बना सकते हैं, लेकिन इट विल बी टू कॉस्टली कि आप हर टेस्ट केस से पहले जो कनेक्शन बनाएं एंड देन रिलीज करें। तो आप क्लास लेवल पे कर लें, अदरवाइज आप असेंबली लेवल पे भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने असेंबली लेवल को इनिशलाइज नहीं किया है, लेकिन आप क्लास लेवल पे उसका कनेक्शन बना सकते हैं, देन क्लास क्लीनअप पे ही जो है उसको आप उसका कनेक्शन को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से आपको डेटाबेस वगैरह का अगर स्नैपशॉट लेना है तो वो भी आप जो है असेंबली लेवल पे या क्लास लेवल पे ले सकते हैं, और क्लीनअप पे उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस किस्म के डिफरेंट किस्म के टास्क ड्यूरिंग ऑटोमेशन नीड पड़ती हैं जो आपको लेने होंगे डिसीजन के, आपको कहाँ पे इन चीज़ों को प्लेस करना है। सो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो डेटा ड्रिवन करने जा रहे हैं। तो हम अपने टेस्ट केस को बाइंड करेंगे, एक्सटेंडर जो है एक सोर्स है, तो हम यहाँ पे एग्जेमल यूज़ करेंगे। हम एग्जेमल में अपने सारे टेस्ट का डेटा रखेंगे और वहाँ से हम गेट करके अपने टेस्ट केस में यूज़ करेंगे। सो मैं एक एग्जेमल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए मैं आपको शो करता हूँ। सो मैंने एक एग्जेमल फाइल जो है ये बना दी है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है जो हमारी DLL है, जहाँ पे कि ये पाथ यहाँ नज़र आ रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर बिन डिबग का फोल्डर है, वहाँ पे मैंने डेटा डॉट एग्जेमल के नाम से ये फाइल प्लेस कर दी है। आइडियली होना ये चाहिए कि फाइल का नेम जो है वो आपकी क्लास के नेम पे हो, और ये टोटली ये भी क्योंकि आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो ये आपका डिज़ाइन है कि आपको उसको, ये डिसीजन आपका है कि आपको जो फाइल बनानी है उसका ब्रेकडाउन किन बेसिस पे होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स बनाए हैं जिसके अंदर एक लॉगिन का टैग है, तो ये लॉगिन का टैग को मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, और ये लॉगिन के टेस्ट केस के लिए है। अब मैं अगर जो मेरा टेस्ट केस था तो हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं इस वाले टेस्ट केस से, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो टैग जिस टैग से आपको वैल्यू गेट करनी है या जो पेरेंट टैग है उसका नेम सेम आप अपने टेस्ट केस के नेम से ही रख दें, जस्ट लाइक कि ये लॉगिन के बजाय मैं यहाँ पे इस नाम से रख दूँ कि ये मेरा टेस्ट केस है, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं डेटा ड्रिवन करने जा रहा हूँ तो मुझे डेटा सोर्स के ज़रिए से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इस मेथड में मैं डेटा सोर्स का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करता हूँ। इसके अंदर हमें 4 वैल्यूज़ जो हैं वो भेजनी होती हैं। सबसे पहले आपको प्रोवाइडर नेम भेजना होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट टेस्ट टूल्स डॉट डेटा सोर्स डॉट एक्सएमएल हो गया, ये फर्स्ट भेज दिया हमने। सेकंड में आपको भेजना होता है कि फाइल विद पाथ नेम, तो फाइल नेम विद पाथ। सो अगर आपकी फाइल उस लोकेशन पे है जहाँ पे आपकी DLL है देन यू डोंट नीड टू सेट एंटायर पाथ, आपको जस्ट फाइल नेम देना काफ़ी है। तो हमारे फाइल का नाम जो था वो था डेटा डॉट एक्सएमएल। अगर ये किसी और लोकेशन पे है तो आप कंप्लीट यहाँ पाथ आपको यहाँ देना होगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, आपको प्रोवाइडर वेरिएंट नेम देना होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, देन टेबल नेम एंड डेटा एक्सेस मेथड। तो हमने 2 चीज़ दे दी हैं, टेबल नेम में क्योंकि ये एग्जामल फाइल है तो यहाँ पे आपको पेरेंट टैग नेम देना है। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप एग्जामल यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप जो टैग का नाम रखें वो इसी टेस्ट केस के नाम पे रखें ताकि आपको यूज़ करना आसान हो। तो
अगर मैं फाइल को दिखाऊं तो फाइल में भी हमने नेम यही यूज़ किया था, मैं इसको प्रॉपर बंद कर दूं। अच्छा, लास्ट में जो है वो जो लास्ट आपको चीज़ देनी वो है डेटा एक्सेस मेथड। दो हैं मेथड के, वन इज़ रैंडम, सेकेंड इज़ सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल ही बेहतर है। अब यह है क्या, ये समझ लें कि अगर ये एक टेस्ट केस से अगर उसको मैं चेंज करूं और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूं और यहाँ पे मैं डेटा चेंज कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये एक टेस्ट केस दो मरतबा एग्जीक्यूट होगा यूजिंग दीज टू डिफरेंट डेटा। अब इंजन को कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट केस दो मरतबा एग्जीक्यूट होगा, कि आप क्या ये जो टैग है जिससे उसने गेट करना है वो जितने टाइम रिपीट होगा टेस्ट केस भी आपको इतने टाइम ही रिपीट होगा। ये तो हमने सेट कर दिया। अब ये वाली लाइन का, डेटा सोर्स वाली लाइन का क्या काम है, इसका काम था उस फाइल के उस पेरेंट टैग तक कनेक्ट करना। अब उस सुलन तो हमें ये जितने भी जो मेथड थे इनका डेटा इस फाइल से ही मंगवाना है असल में, जब हम ऑटोमेशन करेंगे प्रॉपर। अभी जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए हम ये लॉगिन वाले को ही कॉल करके देख लेते हैं। तो ये डेटा के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ कि जस्ट लाइक यूआरएल स्ट्रिंग यूजर स्ट्रिंग पासवर्ड। तो इसके अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं इज इक्वल टू, ये हम टेस्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मंगवाएंगे, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट इसको हम टेस्ट कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा रो। इस डेटा रो के अंदर हम उस टैग का नाम देंगे जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर हम फाइल में देखें तो हमें फर्स्ट यूआरएल है, यूजर नेम है, देन पासवर्ड, तो हम यूआरएल मांग रहे हैं। तो ये जो फाइल है हमारी एक्सएमएल फाइल, इसके जिस टैग की वैल्यू चाहिए वो हम दे देंगे। तो यूआरएल, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें डॉट ओके, और इसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमें रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा सिस्टम डॉट डेटा। डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये फाइल से रीड करके यूआरएल को यहाँ सेट कर देगा। सिमिलरली हम इसको कॉपी पेस्ट करके बाकी यूजर नेम और पासवर्ड के लिए भी यही काम कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल से हम कॉपी कर लेते हैं, यूजर नेम है पूरा और पासवर्ड। तो अब यहाँ पे ये जो हार्ड कोड डेटा था इसे हम रिमूव कर देते हैं, और ये यूआरएल यूजर एंड ये वाला पास। तो सिमिलरली जो हमारे पूरे कंप्लीट टेस्ट केस का जो पूरा टेस्ट डेटा है इट शुड बी कम फ्रॉम दी एक्सटेंडर सोर्स। इन दिस केस वी वर कनेक्टिंग दी डेटा डॉट एक्स एम एल फाइल। सो इसके अंदर हमारे इस टेस्ट केस के अंदर, इस टेस्ट केस में जितना भी डेटा होगा वो मौजूद होना चाहिए। तो अभी हमने जस्ट लॉगिन का ही डेटा पुट किया था, हमें यहाँ पे मज़ीद टैग डाल के सारा डेटा ऐड करना चाहिए। अब इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये टेस्ट केस को दो मरतबा एग्जीक्यूट होना चाहिए, वन विद दी दिस डेटा जो कि पॉजिटिव केस है, और दूसरा इस डेटा के साथ जो कि नेगेटिव केस है। तो मैं अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, दूसरा टेस्ट केस जो है वो फेल होना चाहिए, पहला पास और दूसरा फेल।
दूसरा रीज़न ये है कि आपके लॉगिन ही सक्सेसफुल नहीं होगा तो आगे का चलेगा ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसने हमें यही दिखाया, इसको ज़रा गौर से देखें, तो ये जो डेटा रो 0 था उसमें इसने टेस्ट केस को पास किया है, और डेटा रो 1 जो था उसने इसने टेस्ट केस को फेल किया, क्योंकि उसको वो जब सर्च के लिए वो गया तो उसको वो एलिमेंट ही नहीं मिला और इसको फेल होना चाहिए था। ठीक है, सो तो हमने इसमें इस वीडियो में हम अगर समराइज करें तो हमने ये देखा क्या जो एप्लीकेशन लेवल चीज़ें हैं वो हम ऐप डॉट कॉन्फिग में रखेंगे और वहाँ से हम गेट करेंगे, और जो हमारा टेस्ट डेटा है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा वो हम एक्सटर्नल सोर्स में रखेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस वी यूज्ड दी एक्सएमएल टाइप और उससे हमने डेटा गेट किया है, तो हमारे सारे टेस्ट केस का डेटा बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ होगा। सो, इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह इसकी जो कंटिन्यूटी में नेक्स्ट पार्ट है उस पर मिलते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।